गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इन इंग्लिश योर फोर्थ चैप्टर इज वाइंड ऑन द हिल, पहाड़ी पर हवा, हिल्स पर हवा। सो बिफोर दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल सॉल्व द ग्रामर वर्क ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। ओके, सो ओपन योर बुक एंड लुक एट द बुक। सो दिस इज पेज नंबर 33। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट वी विल सॉल्व द बुक वर्क ऑफ द ग्रामर बुक वर्क ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर बी, वी डिड क्वेश्चन ए इन माई प्रीवियस वीडियो, नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। इंसर्ट कॉमाज इन द सेंटेंस वेर एवर नेसेसरी। हमें कॉमा इंसर्ट करना है, कॉमा लगाना है सेंटेंस में जहाँ पर ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, द गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती एंड ब्रह्मपुत्रा आर रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। इंडिया में गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती, ब्रह्मपुत्रा नदियाँ हैं। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट द गोदावरी के बाद में कॉमा इंसर्ट करोगे, उसके बाद में कृष्णा के बाद में कॉमा, फिर ताप्ती एंड ब्रह्मपुत्रा आर रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। तो गोदावरी के बीच में और कृष्णा के बाद में आप कॉमा लगाओगे। ओके, इन सेकेंड सेंटेंस, वी सॉ सम जेब्रास, टू लायंस, थ्री जिराफ्स एंड टू सील्स एट द जू। हमने देखे कुछ जेब्रास, दो शेर, थ्री जिराफ्स एंड टू स्केल्स जू में। ओके, तो वी सॉ सम जेब्रास के बाद में कॉमा इंसर्ट करना है, टू लायंस एंड थ्री जिराफ्स एंड टू सील्स एट द जू। ओके, सो यहाँ पे जेब्रास एंड टू लायंस के बीच में कॉमा इंसर्ट करना है और फिर लायंस ऑन थ्री जिराफ के बीच में कॉमा इंसर्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट है, और जिराफ के बाद में भी कॉमा इंसर्ट करना है एंड से पहले। ओके, थर्ड है, आई हैड टू एग्स, सम टोस्ट, ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास थे दो एग्स, एक टोस्ट और एक मिल्क का गिलास और एक ऑरेंज ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ करेंगे टू एग्स के बाद कॉमा इंसर्ट, सम टोस्ट के बाद, फिर ए मिल्क ऑफ गिलास, ए मिल्क ऑफ ग्लास के बाद, ए ग्लास ऑफ मिल्क के बाद एंड एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट, एंड एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, फोर्थ इज, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता एंड मुंबई आर ऑल कैपिटल सिटीज़। हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एंड मुंबई आर ऑल कैपिटल सिटीज़। हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता और मुंबई है, ये सारी राजधानी है शहरों की। तो फर्स्ट हैदराबाद के बाद में कॉमा इंसर्ट करना है, फिर बेंगलोर के बाद में, फिर कोलकाता के बाद में, कलकत्ता के बाद में और फिर कॉमा इंसर्ट नहीं करना है। ओके, हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में कॉमा लगाना है और बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में कॉमा लगाना है। आई बॉट सम पेपर, टू पेंसिल, ए बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड ए रूलर। ओके, सो आई बॉट सम पेपर के बीच में कॉमा, टू पेंसिल्स के बीच में कॉमा, ए बॉक्स के बीच, फिर ए बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड ए रूलर्स, क्रेयॉन्स के बीच में कॉमा। ओके, क्रेयॉन्स के बाद में कॉमा। ओके, सो यहाँ हमने इसमें कॉमाज इंसर्ट किए, ऐसे के ऐसे आपको भी कॉमाज इंसर्ट करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमाज एंड फुल स्टॉप वेर एवर नेसेसरी। रीराइट करना है इन सेंटेंस को जहाँ पर कॉमाज, कैपिटल लेटर और डॉट्स नेसेसरी हो, फुल स्टॉप नेसेसरी हो। ओके, तो फिर यहाँ फर्स्ट हम करेंगे सेंटेंस रीराइट। ओके, सो रीड द सेंटेंस, रमेश हैज़ टू डॉग्स, ए कैट, ए टर्टल एंड सम बर्ड्स एज पैट्स। रमेश के पास क्या है, तो यहाँ रमेश के नाम में आर स्मॉल लेटर में, जिससे पहले कैपिटल करेंगे। ओके, आर कैपिटल हुआ, फिर उसके बाद में हैज़ टू डॉग्स, डॉग्स के बाद में कॉमा, फिर ए कैट, कैट के बाद में कॉमा, ए टर्टल, टर्टल के बाद में कॉमा एंड सम बर्ड्स एज पैट्स और आफ्टर फुल स्टॉप। ओके,
फिर नेक्स्ट है आवर इंग्लिश टीचर वॉज अब्सेंट ऑन मंडे. आवर में ओ को कैपिटल करेंगे बिकॉज जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. सो आवर और फिर इंग्लिश, इंग्लिश में ई कैपिटल करेंगे. टीचर वॉज अब्सेंट ऑन मंडे. फिर लास्ट में एम को कैपिटल करेंगे और फुल स्टॉप स्टार्ट करेंगे. ओके नेक्स्ट थर्ड है रोहन मीरा एंड नीना आर फ्रेंड्स. तो इसमें रोहन में आर कैपिटल करेंगे, मीरा में एम कैपिटल करेंगे एंड नीना में एन कैपिटल करेंगे. आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप पहले से ही है, कॉमा इसमें नीड कॉमा किसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. सो फोर्थ आई एम गोइंग टू फ्रांस एंड जर्मनी इन अगस्त. सो मैं फ्रांस और जर्मनी जा रहा हूँ अगस्त में. सो आई को कैपिटल करेंगे. आई एम गोइंग टू फ्रांस, फ्रांस में एफ कैपिटल करेंगे एंड जर्मनी में जी कैपिटल करेंगे. इन अगस्त, अगस्त के बाद में डॉट इंसर्ट करेंगे, अगस्त में ए कैपिटल करेंगे. ओके फिर उसके बाद देखो फिफ्थ है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो माउंट में एम कैपिटल करेंगे, एवरेस्ट में ई कैपिटल करेंगे. एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके सो सी एंड बी वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर सी एंड बी वी हैव डन. नाउ इज द टर्न ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स. ओके सो लिसन टू ए फ्यू लाइन्स अबाउट राजू एंड मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और एफ फॉल्स फॉर एफ. ओके सो लुक एट द बुक. ओके फर्स्ट सेंटेंस इज राजू हैज डिनर एट 9 o'clock. फॉल्स. ही गोज टू स्कूल बाय बस. ट्रू. थर्ड राजू इज अटेंटिव इन क्लास. ट्रू. His favorite subject is science. False. He plays cricket every evening. False. Okay. So we have done the book work of chapter. We have done the grammar work of chapter 3. So this grammar work, book work is your homework. Do in your notebook. Okay. So now we will read the chapter 4. Wind on hills. So this is your fourth chapter, Wind on Hill. Can we see the wind? क्या हम wind को देख सकते हैं? How do we know in which direction it is blowing? ये कैसे पता चलता है कि कौन सी direction में बह रही है, blow हो रही है? Read this poem by A.A. Milne, in which a child is describing the wind and what it does. इस read को पोइम को रीड करते हैं जो कि लिखी गई है मिलने के द्वारा, जिसमें कि एक चाइल्ड डिस्क्राइब करता है वाइन को और वह क्या करता है ये रीड करेंगे. ओके सो फर्स्ट स्टैंजा इज नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोस वेयर द वाइन कम्स फ्रॉम, वेयर द वाइन गोज. कोई भी मुझे नहीं बता सकता और ना ही कोई जानता है कि वाइन कहाँ से आती है और वाइन कहाँ जाती है. ओके इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, ये कहीं से आती है. एज फास्ट एज इट कैन, यह उतनी ही तेजी से कहीं से उड़ रहा है. आई कूडंट कीप अप विथ इट नॉट इफ आई रैन, मैं साथ नहीं रह सकता था न कि मैं अगर भागता नहीं. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, यह उतनी ही तेजी से कहीं से उड़ रही है जितनी तेजी से यह उड़ सकती है. मैं आई कूडंट कीप अप विथ इट नॉट इफ आई रैन, मैं ना इसके साथ रह सकता था और ना ही भागता. सो बट इफ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, लेकिन अगर मैंने बंद कर दिया अपनी काइट के डोर को पकड़े रखना, इट वुड ग्लो विद द वाइंड फॉर ए डे एंड ए नाइट, तो यह वाइंड के साथ पूरे एक दिन और नाइट के लिए उड़ जाएगी. ओके चली जाएगी, ग्लो हो जाएगी. एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेर एवर इट ब्लू आई शुड नो दैट द वाइंड हैड बीन गोइंग देयर टू. तो यह
एक दिन और एक रात के लिए हवा के साथ उड़ जाएगा। अगर मैंने अपने पतंग की डोर को छोड़ दिया तो यह एक दिन और एक रात के लिए हवा के साथ उड़ जाएगा। और फिर जब मैंने इसे जब मुझे ये मिलेगा जहाँ भी यह उड़ा जब मुझे ये मिलेगा जहाँ भी यह उड़ा और फिर जब मैंने जहाँ भी यह उड़ा मुझे पता होना चाहिए कि हवा वहाँ भी जा रही थी। कि जब मुझे मिलेगा जहाँ भी ये उड़ा तो मुझे पता होना चाहिए कि हवा वहाँ भी जा रही थी। सो देन आई कुड टेल देम, तो मैं उन्हें तब मैं उन्हें बता सकता हूँ वेयर द विंड गोज, कि विंड कहाँ से आती है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, बट कि हवा कहाँ जाती है। सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज, तो तब मैं उन्हें बता सकता था कि विंड कहाँ से कहाँ जाती है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, लेकिन विंड कहाँ से आती है ये कोई नहीं जानता। ओके, सो स्टूडेंट्स वी रीड दिस पोएम। ओके, सो दिस पोएम यू विल रीड टू टाइम एट होम एंड सेंड मी द रीडिंग ऑडियो ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।